हाय गाइस, अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में इशू देखा होगा आपने, जब मतलब खासकर मैं अपने बचपन से देखता रहा हूँ। मेरी जो बड़ी बहन थी उसका स्कैल्प ऑयली था तो उसका शैम्पू अलग था, मेरे स्कैल्प ड्राई था तो मेरा शैम्पू अलग था, मेरी छोटी बहन को डैंड्रफ थी तो उसका शैम्पू अलग था। घर में शैम्पू की लाइन लगी रहती है। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, आपके घर में भी होगा। अगर आपके घर में 5-6 लोग रहते हैं तो उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें सबके अलग अलग चलती हैं। किसी को कुछ मज़ा आता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही चीज़ सारे लोग घर की यूज़ करें। बेचारे पापा मम्मी तो ऐसे होते हैं कि जो भी मिल जाए वो यूज़ कर लेते हैं। मेरे पापा तो ऐसे सीधे से हैं कि उनको साबुन भी दे दो ना तो वो साबुन से बाल धो लेंगे। तो उनकी कोई हमारे मम्मी पापा की कोई डिमांड होती नहीं। बट आज जो मैं शैम्पू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जेंटल बीस्ट का प्रीमियम शैम्पू, इट्स ऑल इन वन। ये आपके सारी कंडीशन, लाइक अगर आपकी ऑयली स्कैल्प हो रहा है, अगर आपको बालों में दर्द, बालों की जड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, या आपके बाल फिजी हैं, ड्राई हैं, या आपके बालों में बाउंस नहीं है, तो आप इस जेंटल बीस्ट के चारकोल प्रीमियम शैम्पू जो है चारकोल वाला, इसको यूज़ कीजिए। ये आपके बालों को हेल्दी बना देगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को भगा देगा। अगर आपको आपको अलग से कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको फिजी बाल है या ड्राइनेस है बालों में, या आपके हेयर फॉल कुछ भी हो रहा है, किसी भी रीज़न से आपके दिक्कत आ रही है, पॉलिशिंग के कारण आपके बाल खराब हो रहे हैं, किसी भी कारण से बाल खराब है, बाउंस, अगर आपके बालों में बाउंस नहीं है तो आप इसको यूज़ कीजिए। आपके बाल फुल, एकदम बिल्कुल फुल हेड दिखेगा, भरा हुआ और बाउंसी बालों के साथ आपको ये रिजल्ट देगा। बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैंने खुद अप्लाई किया आज और आज मुझे अच्छा अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता तो डेली अच्छा है मगर आज मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे बाल कुछ ज़्यादा अच्छे सेट दिख रहे हैं मुझे। तो खैर, इसके अंदर खासियत क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर नेचुरल केराटिन है गाइस। केराटिन का ट्रीटमेंट कराते हैं आप लोग, फीमेल्स खासकर जाती हैं, पार्लर जाती हैं और खूब सारे पैसे लगाती हैं। मतलब मुझे नहीं, मैंने कभी कराया नहीं केराटिन ट्रीटमेंट, बट मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, करवाते हैं, वो बोलते हैं मैंने केराटिन कराया, ये कराया, तो मैंने सुना हुआ है, मैंने कभी कराया नहीं है, बट आई थिंक वो कॉस्टली ही होता होगा। तो इसके अंदर नेचुरल केराटिन है, इसके अंदर चारकोल एंड कलोरिन क्ले है, इसके अंदर फुलर अर्थ है, एलोवेरा है, कुकुम्बर है, आंवला है, नीम है। गाइस आपको पता है कि आप पार्लर में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे फेस पैक के साथ आपको हेयर पैक भी बताएंगे, कि आजकल नया कुछ चलन चल गया है कि आप पार्लर में जाइए और आपको हेयर पैक भी कराएंगे, हेयर स्पा करेंगे, ऐसे ऐसे करके आपको पैक लगा देंगे। पैक के अंदर होता क्या है, हेयर पैक में होता क्या है, उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हेयर को स्मूथ करें, आपके हेयर अगर ड्राई हैं, फिजी हैं तो उसको कंट्रोल करें, उसको हेल्दी बनाएं, और उसमें जो केराटिन है या जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो इसमें है वही सब उनमें भी पैक में भी होती हैं। बस जस्ट ये है कि ये बहुत सस्ता है और वो बहुत इसका 10 गुना रेट होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा, देखो अगर आप लोग बड़े लोग हैं, अगर आपके पास खूब ज़्यादा पैसा है तो आप पार्लर में जाइए। अगर आपको थोड़ी समझदारी के साथ पैसा बचाना है और वो पैसा, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो अपने हेल्दी डाइट में यूज़ करिए करना है, तो आप ये जेंटल बीस्ट का प्रीमियम शैम्पू इसको यूज़ कीजिए। रियली इट्स वेरी गुड, आपको बहुत मज़ा आएगा और एक ही शैम्पू पूरे घर के लिए काफ़ी है, तो मैं इसको कहूँगा कि द फैमिली शैम्पू। और ये क्या क्या करता है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। तो फाइनली इसमें एलोवेरा है एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, वी ऑल नो एलोवेरा इज़ वेरी गुड, क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट है, आंवला एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट है। देखो ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल भी वर्क करेगा, बिकॉज डैंड्रफ जो होती है ना वो एंटी फंगल होती है, इट्स अ फंगस। तो लेवेंडर एसेंशियल है, वेजिटेबल केराटिन है, ड्राई फ्रॉम पी एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल है, एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, आपके स्कैल्प से जितनी गंदगी होगी ना उसको एब्जॉर्ब करके निकाल के फेंक देगा, तो आपका स्कैल्प एकदम क्लीन रहेगा, तो आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे और आपका स्कैल्प हवा ले पाएगा, सांस ले पाएगा, ऑक्सीजन जा पाएगी ढंग से। और इसके अंदर कैओलिन क्ले है, फुलर अर्थ है, एक्टिवेट चारकोल बता ही दिया मैंने। और ये क्या क्या करता है, तो ये आपको आपको पूरे अंदर से बाहर तक पूरे हेयर और स्कैल्प की थोरो क्लीनिंग करेगा और आपको कंडीशनिंग भी करेगा। तो इसके साथ आपको अलग से कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है शैम्पू के बाद। खैर शैम्पू जो भी होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, तो अल्कलाइन क्या होता है, वो आपके जो भी डर्ट होता है उसको निकालने के लिए हमें अल्कलाइन चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। मतलब उसको सर्फेक्टेंट जो होता है ना, आपने सुना होगा कि सोप होता है, जो भी होता है वो गंदगी को तभी निकाल पाता है, वो अल्कलाइन होता है। तो इस बट इसके सबसे अच्छी बात ये है कि इसका पीएच बैलेंस्ड है, ये बैलेंस पीएच है। हमारे हेयर का पीएच होता है 5.3 to 5.5, तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके पीएच, बिकॉज इसका पीएच बैलेंस, आपके हेयर का पीएच बिगड़ता नहीं है। जब आपके स्कैल्प और हेयर का पीएच नहीं बिगड़ता है तो हमारे बॉडी का पीएच होने का रीजन क्या है, एसिडिक पीएच होने का, 5.3 to 5.5 इज एसिडिक पीएच। तो वो करता क्या है, वो आपके बाकी जो बैक्टीरिया फंगस उन सबसे फाइट करता है, एक बैरियर बना के रखता है स्किन का, ताकि
ताकि वो आपके स्किन में अंदर ना आ पाए, तो वो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है उनकी सेल वॉल को। तो जब हम अल्कलाइन पीएच या हम कोई भी साबुन यूज़ करते हैं हेयर में या कुछ भी करते हैं, तो हमारे हेयर को ड्राई बना देता है। ड्राई क्यों कर देता है? बिकॉज उसको पीएच बैलेंस नहीं होता है, इसलिए उसके बाद कहा जाता है कि कंडीशनर अप्लाई करिए, कंडीशनर आपको सिल्की बना देगा, बिकॉज वो आपको पीएच को बैलेंस करता है, कंडीशनर बैलेंस करता है पीएच को। और जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं मार्केट में, वो आपके पीएच को बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ते क्या देते हैं, उनका काम ही होता है कि गंदगी को निकालना है। तो ये ऐसा है जो सालों की मेहनत से इतने बहुत रिसर्च के बाद जेंटल बीस्ट ने बनाया है, जो कि आपके नेचुरल पीएच को बैलेंस भी करेगा, आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं है, आपके हेयर को सॉफ्ट और शाइनी एंड बाउंसी बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर कोई चाहता है कि उसके वो चले तो ऐसे 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 हों, बाउंस आए, खासकर लड़कियाँ। और बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके बाल बड़े बड़े रखने की शौक है उनको, तो उनको भी चाहिए कि जब वो चले तो थोड़े बाल बाउंस करें, तो उसके लिए बहुत से जेल वैक्स और सब कुछ लगाया जाता है। मैं तो स्प्रे मारता हूँ, बट मैं आज स्प्रे नहीं मारा क्योंकि मेरे को शैम्पू का वीडियो बनाना था, बट मुझे आई थिंक आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को खुद देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। पता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है जब आप अच्छे दिखते हो, आपके बाल आपको जैसे चाहिए कि स्टाइल आपको प्रॉपर मिल गया है। मतलब मेरे साथ तो बहुत दिक्कत आती है, अगर मैं किसी से अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ना, मैं तैयार नहीं होता ना, तो मैं लोगों से मिलता भी नहीं, मैं छुप जाता हूँ कि मैं घर में बिना तैयार हुए तो बाहर भी नहीं निकलता हूँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता यार, अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कहीं भी आपको मिलने जाना है, मीटिंग में जाना है, अगर आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, अगर आप लोग आपको भी कहीं ऑडिशन देना जाता, आपको चाहिए कि लोग आपका हमेशा बना रहे। मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे को तो फिट ऐसा, मतलब मेकअप सेट कर दो, बाल सेट कर दो कि 24 घंटे वैसे ही रहे, मैं सो के उठूँ भी वैसे मिले, मेरे से हो नहीं पाता, सब पॉसिबल नहीं। बट यस, सिर्फ नहाओ और मैंने वो मारा, ड्रायर मारा बस, काफ़ी मतलब ड्रायर मारने के बाद जैसे मेरा अच्छा सेट हो गया। और ऐसे मुझे स्प्रे मारना पड़ता है जनरली बाल को सेट करने के लिए, बट यार इसमें मुझे ये सब दिक्कत नहीं आई। और ये आपके डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा, तो डैंड्रफ इज़ अ वेरी मेजर इशू फॉर हेयर फॉल। और बहुत ज़्यादा आपको देखो, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जब निकलती है तो आपके अगर आप ब्लैक पेन है तो उसमें डैंड्रफ गिरती हुई नजर आएगी, तो फिर बहुत गंदा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, एक ऑकवर्ड कंडीशन होती है कि चारों तरफ बर्फ की तरह गिर रहा हुआ है। तो ये आपकी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा और आपके बालों को स्ट्रेंथ अप करेगा, कंट्रोलिंग हेयर फॉल, आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, रिड्यूसिंग ब्रेकेज, शेडिंग एंड फ्रिज, एंड इट्स अ पीएच बैलेंस। गाइस वेट क्या कर रहे हो यार, जेंटल बीस पे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट भी मिलेंगे। मैं आपको कोई प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो प्रोमो कोड को डाल के डिस्काउंट भी ले सकते हो। और ये 200 ml शैम्पू है, फुल फैमिली शैम्पू है, जेंटल बीस ने इतने ज़्यादा अच्छा शैम्पू बनाया ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। ऑल इन वन शैम्पू, हेयर फॉल, डैंड्रफ, फ्रिजी, ट्राई, कोई भी दिक्कत हो इस शैम्पू को लगाओ और अच्छा कर लो बालों को। इसकी प्राइस है MRP 499, जो आपको बहुत सारे डिस्काउंट के बाद सस्ता पड़ जाएगा। खैर, एक लौता शैम्पू ऐसा दिखा है मुझे जो आपके हर मल्टीपल चीज़ों पे वर्क कर रहा है, और एल्स मेरे पास जो जनरली अभी तक शैम्पू आते थे वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू अलग खरीदना पड़ता था लोगों, पेशेंट्स को, किसी के हेयर फॉल हो उसके लिए अलग शैम्पू आता है, किसी को नॉर्मल ड्राइनेस, बहुत ड्राइनेस है उसके लिए अलग शैम्पू दो, मतलब बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें खरीदते ना, तो फिर लोग परेशान होते हैं। मैंने तो पूछते सर कैसे लगाए, लगा डैंड्रफ भी और आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आपको दो तीन शैम्पू, एक पहले ये लगाओ 5 मिनट खड़े रहो, फिर दूसरा लगाओ फिर 5 मिनट खड़े रहो, फिर तीसरा लगाओ फिर 5 मिनट खड़े रहो, फिर वॉश करो, मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। मेरे को मैं तो ऐसे करने में मज़ा आता है क्योंकि मेरे को शॉवर लेने में आराम से आधा घंटा शॉवर लेता हूँ, मैं पानी के नीचे खड़ा रहता हूँ और बालों में लगा के कुछ भी, बॉडी पे लगा के कुछ भी छोड़ दो और शॉवर लो, मतलब एक शॉवर लेने का भी एक अलग मज़ा है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप रिलैक्स होते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होता है, तो आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो टाइम तो दो, तो एक जेंटल बीस के साथ दो, ताकि आपके बाकी चीज़ों पर भी वर्क करे और आपको हेल्दी हेयर दे। वेट क्या करें, जल्दी से जाइए जेंटल बीस को जाके परचेस कर लो इस शैम्पू को, और मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, शेयर मार दो लोगों को जिनको दिक्कत है। और मैं रणा, मैं डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं इंस्टाग्राम पे आपको वेट करूँगा। बाय।